सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमी जी नेट पर। दोस्तों आज हम मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर नंबर सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों हमें इसके कुछ बेसिक पैटर्न है वो हमें पता होना चाहिए, कुछ बेसिक टिप्स है वो हमें पता होना चाहिए। अगर वो हमें पता चल जाते तो हम बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं और UGC नेट के अंदर बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो बिल्कुल आसानी से सभी के सभी क्वेश्चन बिल्कुल राइट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों हमने NTA UGC नेट दिसंबर 2019 एग्ज़ाम के लिए एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में हम आपको दोस्तों सिस्टमैटिक ढंग से स्टडी करवाएंगे। इस ग्रुप में आपको हर रोज़ दो वीडियो मिलेगी, सुबह की जो वीडियो होगी वो थियोरेटिकल होगी और शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे और उनका मॉक टेस्ट भी लेंगे। इस ग्रुप में आपको दोस्तों 10 यूनिट के PDF स्टडी नोट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको 2012 से लेकर 2019 तक टॉपिक वाइज ओल्ड पेपर PDF दी जाएगी और इसके साथ साथ आपको हर यूनिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन की PDF दी जाएगी। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी स्टडी अच्छे से कीजिए। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं बेसिक पैटर्न ऑफ नंबर सीरीज। देखिए हमारे क्वेश्चन पेपर में काफ़ी तरह के नंबर सीरीज आते हैं, हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इसके अंदर क्या होगा। आपने देखा होगा कि किसी के अंदर बढ़ते क्रम में होता है, किसी के अंदर घटते क्रम में होता है और किसी के अंदर मिक्स नंबर दिए हुए होते हैं, तो हमें पता नहीं चलता। तो हम एक एक स्टेप देखते हैं और उसमें देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखिए जो सबसे पहली जो नंबर सीरीज़ है दोस्तों वो हम कह सकते हैं कि प्राइम नंबर की सीरीज़ आ सकती है। प्राइम नंबर के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो केवल और केवल खुद से भाग होता हो और या फिर एक से डिवाइड होता हो उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 1, 1, 2, 3, 5, 7। ये देखना आप, ये एक तो खुद से डिवाइड हो रहे हैं और दूसरा एक से डिवाइड हो रहे हैं, तो अगला जो नंबर आएगा दोस्तों वो हमारा क्या आएगा, 1, 3, 5, 7, फिर क्या आएगा दोस्तों, 11 आएगा, 11, ना कि 9। 9 नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यानी कि इस तरह का नंबर जो केवल और केवल खुद से और एक से डिवाइड होता है उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर कहते हैं। और इसमें दूसरा एग्जांपल ये देख सकते हैं, जैसे 11, 13, 17, 19, ये केवल और केवल खुद से डिवाइड हो रहे और एक से हो रहे, इसके अलावा किसी थर्ड नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे। तो इस तरह की नंबर सीरीज़ हमें काफ़ी बार देखने को मिलती है। उसके बाद दोस्तों जो हमारी अगली नंबर सीरीज़ आती है इसके अंदर होता है पैटर्न ऑफ डिफरेंस। इसके अंदर क्या होता है कि पैटर्न, उसके अंदर इस तरह का पैटर्न दिया हुआ होता है कि सभी के अंदर जो डिफरेंस है वो सेम होता है। जैसे कि इसके अंदर हम देखते दोस्तों हम 2 और 5 के अंदर 3 का डिफरेंस है, आगे फिर 5 और 10 के अंदर 5 का है, फिर 10 और 17 के अंदर दोस्तों 7 का है, और फिर 17 और 26 के अंदर दोस्तों 9 का है। तो आगे हमारा क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे इसमें देखिए दोस्तों इसमें कितने का डिफरेंस है, 2-2 का है। तीन देखिए दोस्तों, 3, 5, 7, 9, इनके अंदर कितने कितने का डिफरेंस है, 2-2 का डिफरेंस है। तो जब हम 9 के अंदर 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 यहाँ पे हो जाएगा। और ये जो 11 है दोस्तों, ये 11 हमें 26 के अंदर ऐड करना है और 26 के अंदर जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 37 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से भी इसके अंदर पैटर्न होता है वो हमें समझने की ज़रूरत है। और ये दोस्तों यहाँ पे माइनस के अंदर भी हो सकता है, यानी कि शुरू के अंदर 26, फिर 17, फिर 10, इस तरह से भी ये पैटर्न हो सकता है। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास स्क्वेयर और क्यूब। स्क्वेयर का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी भी नंबर की पावर 2, ठीक, और किसी भी नंबर की पावर जब 3 होती है तो उसे हम क्यूब कहते हैं। ये हमने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है। अब देखिए इसके अंदर जो सबसे पहला एग्जाम्पल है उसके अंदर देखते हैं कि इसमें दिया 1, 4, 9, 16, 25। इसके अंदर आप देखना कि 1 जो है वो 1 की पावर 1 हो गया, फिर आगे है 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, फिर 4 की पावर 2। अब इसमें देखिए दोस्तों, 1 की पावर 1 हो गया, 2 की पावर 4, 3 की पावर 9, 4 की पावर 16 और 5 की पावर 25, 6 की पावर
36 हो गया। तो यहाँ पे जो ये दिया हुआ है खाली, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे आएगा हमारा 7 की पावर 2, यानी कि 7 × 7 49, यानी कि यहाँ पे हमने देखा 1, 2, 3, 4, 5 की पावर होती हुई जा रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा 7 की पावर यहाँ पे आ जाएगा, 7 × 7 49 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। और आगे देखिए दोस्तों, आगे जो ये जो हमारा एग्जांपल है इसके अंदर देखो दोस्तों, इसके अंदर आप ध्यान से देखना, इसके अंदर क्या है कि एक है, 1 की पावर इन्होंने 3 दे दी, फिर है 2 की पावर 3 दे दी, और फिर है 3 की पावर 3 दे दी। अब ये सभी हम करके देखते हैं दोस्तों, 4 की पावर 3। अब देखिए 1 की पावर 3 क्या होता है, 1 होता है, 2 की पावर 3 कितना होता है दोस्तों, 9 होता है, फिर 3 की पावर 3 क्या कितना होता है, 27 होता है, फिर 4 की पावर 3 कितना होता है दोस्तों, 64 होता है, और फिर इसने ये जो 125 है, ये 5 की पावर 3 दोस्तों, ये 125 हो जाएगा। और यहाँ पे आगे जो नंबर आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, 6 की पावर 3 आएगा, 6 की पावर 3 कितना होता है दोस्तों, 216 इसका आंसर होता है। तो यहाँ पे इसका 216 आंसर आएगा। तो इस तरह से भी हमें देखना है। और एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर पावर करनी है या प्लस करना है, क्या करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है दोस्तों, ये जो नंबर सीरीज हमें दी हुई है, ये हमें ये देखना कि ये कंटिन्यूसली बढ़ रही है या घट रही है, क्या हो रहा है। अब इन दोनों में आप देख लेना दोस्तों, ये कंटिन्यूसली बढ़ती हुई जा रही है, कोई भी नंबर पिछले नंबर से कम नहीं है, ज़्यादा ही है। जब ये देखिए यहाँ पर बढ़ता हो जा रहा है, 1, 4, 9, 16, 25, 36 और फिर 64 है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, इसमें प्लस हो रहा है या फिर मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर इसका स्केयर या क्यूब हो रहा है, इन चार चीज़ों में से एक चीज़ होगी, या तो प्लस होगा इनके अंदर या फिर मल्टीप्लाई गुना होगा किसी नंबर से, या फिर इसका स्केयर होगा या फिर इसका क्यूब होगा, ये चीज़ हमें देखना है इसके अंदर। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे किस तरह से है पैटर्न। अब देखिए पैटर्न इन अल्टरनेट नंबर, अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि पीछे हमने जो देखा था जो पैटर्न है वो नेक्स्ट नंबर से ही जुड़ता हुआ जा रहा है इस तरीके से, लेकिन इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, पैटर्न इन अल्टरनेट नंबर यानी कि एक नंबर का तीसरे नंबर से जो रिश्ता हो सकता है। अब देखिए इसके अंदर हम देखने की कोशिश करते हैं, ये देखिए ध्यान से देखिए, इसके अंदर क्या है कि जो हमारे नंबर है वो बढ़ नहीं रहे, ये देखिए इसके अंदर यहाँ से 2 से 9 हो गया, 9 से फिर 5 हो गया, यानी कि पहले प्लस हुआ फिर माइनस हुआ, फिर माइनस हो गया फिर प्लस हो गया, फिर प्लस हो गया और फिर माइनस हो गया, यानी कि एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, प्लस माइनस इस तरीके से चल रहा है। इस तरह की सिचुएशन हो तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें एक नंबर का 3 नंबर से रिलेशन देखना है क्या है। अब देखिए इसके अंदर हम करके देखते हैं, 2 और 5 के अंदर डिफरेंस देखिए दोस्तों कितने का है, 3 का है, और फिर 5 और 8 के अंदर देखिए 3 का है, और फिर 8 और 11 के अंदर देखिए 3 का है, ठीक है। तो अब जो अगला जो नंबर आएगा दोस्तों, यहाँ पे जो नंबर आएगा, ये एक नंबर छोड़ देते तो यहाँ पे क्या नंबर आएगा, वो आया 11 के अंदर 3 ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 14, यानी कि 14 इसका नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से हम बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब अगला पैटर्न आता है दोस्तों हमारे पास ओड वन। ओड वन के अंदर क्या होता है दोस्तों, एक नंबर हमें गलत दिया हुआ होता है, वो हमें पहचानना होता है कि कौन सा नंबर इन्होंने गलत दिया है। जैसे कि यहाँ पे इसमें एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे आप देखो 3, 5, 11, 17, 21। अब ये देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या डिफरेंस हो सकता है, इसके अंदर देखो दोस्तों क्या डिफरेंस हो सकता है, इसके अंदर एक तो हमारा 14 जो नंबर है ये 2, 7, 14 से डिवाइड हो रहा है, और एक हमारा 21, इन दो नंबर को छोड़ के देखिए दोस्तों, एक तो 14 को एक 21 को हम छोड़ देते हैं, तो और जितने भी नंबर है जैसे 3, 5, 11, 17, ये केवल और केवल अपने आप से डिवाइड हो रहे हैं और 1 से डिवाइड हो रहे हैं, जो मैंने प्राइम नंबर की बात की थी आपसे सबसे पहले जो बात की थी, तो इन दो नंबर को छोड़ के और जितने भी नंबर है वो हमारे प्राइम नंबर है और ये हमारे प्राइम नंबर नहीं है। तो इस तरह से हमें कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। आगे दोस्तों हमारे पास पैटर्न इन एडजेसेंट नंबर, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों हम देखते हैं, देखिए अब इसमें एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, देखिए इस एग्जांपल में क्या दिया हुआ कि पहले 3, 6, 18, 72 दिया है, तो इसे थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 3 और 6 के अंदर क्या रिलेशन है, 3 × 2 यानी कि 6 आ गया, फिर क्या है 6 का 18 आ रहा है, तो इसका क्या आएगा 6 × 3 = 18 आ गया,
फिर है दोस्तों हमारे पास 18, और यहाँ पे कितना है 72, 18 चौके 72। यहाँ पे देखे दोस्तों, पहले 2 से गुना, फिर 3 से गुना, फिर 4 से गुना। जो पिछले वाला है, उस पिछले वाला जो नंबर है उसको 2 से 3 से 4 से इस तरह से मल्टीप्लाई होता हुआ आ रहा है। तो अब हमारा यहाँ पे जो सीरीज आएगी वो क्या आएगी दोस्तों, 72 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। 72 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा यहाँ पर आंसर आएगा वो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से बिल्कुल आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और आगे दोस्तों हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर सीरीज। अब देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर सीरीज जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये उलझी हुई थोड़ी सी सीरीज हो सकती है। अब इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या है, यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों में देखते हैं डिफरेंस कितना है। इन दोनों के अंदर डिफरेंस है हमारा 1 का, फिर 5 और 7 के अंदर है दोस्तों 2 का, फिर 7 और 10 के अंदर है 3 का, फिर 10 और 14 के अंदर है दोस्तों 4 का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो अगला क्या डिफरेंस होगा दोस्तों, वो हमारा होगा 5 का, यानी कि 14 के अंदर जब हम 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 19 आ जाएगा। तो इसकी जो नेक्स्ट सीरीज होगी दोस्तों वो हमारी होगी 19 होगी। और उसके बाद है दोस्तों हमारे पास यूजिंग 2 और मोर बेसिक अर्थमेटिक फंक्शन। अब देखिए कई सीरीज ऐसी हो सकती है जिसके अंदर 1 या 1 से ज़्यादा 2 फंक्शन भी उसके अंदर लग सकते हैं। अब देखिए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले देखिए 3 और 5 के अंदर कितने का डिफरेंस है दोस्तों, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। और फिर यहाँ पे देखिए 5 और 10 के अंदर कितने का है, 5 का है। फिर 10 और 2 के अंदर है दोस्तों 2 का, ठीक है। और फिर 12 और 24 के अंदर है दोस्तों 12 का। तो यहाँ पे हमें कुछ अच्छा पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा कि क्या पैटर्न बन रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे दोस्तों तो इसमें एक पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिए इन दोनों नंबर के अंदर कितने का है, 2 का डिफरेंस है। फिर इन दोनों के अंदर कितने का दोस्तों, 2 का डिफरेंस है। तो आगे जो हमारी सीरीज आएगी उसके अंदर भी 2 का डिफरेंस होगा। तो अगली जो सीरीज होगी दोस्तों उसके अंदर क्या होगा, 24 प्लस में 2 यानी कि 26। यहाँ पे अगर हम 26 लिख देते, देखिए जैसे यहाँ पे हमने 26 लिख दिया। अब देखिए दोस्तों इन दोनों के अंदर 2 का डिफरेंस हो गया, इन दोनों के अंदर 2 का डिफरेंस हो गया, और इन दोनों के अंदर 2 का डिफरेंस हो गया। तो इस तरह से ये जो हमारी सीरीज है पूरी तरह से बन रही है। दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि कई दोस्त ये सोच सकते हैं कि ये जो पैटर्न है ये तो बहुत आसान आसान पैटर्न है। तो UGC नेट के अंदर जो पैटर्न आते हैं दोस्तों वो आसान पैटर्न आते हैं, इतने ज़्यादा मुश्किल या कठिन पैटर्न नहीं आते। इसके अलावा भी कई तरह के पैटर्न हो सकते हैं, मुझे पता है अनेक अन्य एग्ज़ाम में आते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर बेसिक करने की ज़रूरत है। और दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी उसके अंदर मैं आपको करके दिखाऊँगा जो 2012 से लेकर जून 2019 तक जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो हम लाइव करके देखेंगे, और उसमें आप हम देखेंगे कि किस तरह के पैटर्न अभी तक आए हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।